एमए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के छात्रों का हार्दिक स्वागत। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तासिका के अंतर्गत जिस घटक की आज पुनरावृत्ति करने जा रहे उस घटक का नाम है निर्गुण साहित्यकार कबीर। संत कबीर के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके आचरण के बारे में तथा उनके पदों के बारे में जो जानकारी आज तक प्राप्त होती है उसका हम परिचय प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व अब संत तथा भक्त इन दो शब्दों का क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे। संत उनको कहा गया जिन्होंने ज्ञानाश्रय शाखा के आधार पर या जो निर्गुणवादी धारा के लोग रहे हैं या कवि रहे हैं, और संत यह शब्द प्रयोग सगुणोपासकों के लिए प्रयुक्त किया गया। वास्तविक रूप से देखा जाए तो दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन तत्कालीन समय में निर्गुणवादियों के लिए संत शब्द प्रयोग किया गया और सगुण उपासकों के लिए भक्त शब्द। अब कबीर का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी इस प्रकार। कबीर के जन्म के बारे में यहाँ पर अनेक विसंगतियाँ नजर आती है। विद्वानों के अपने अपने यहाँ पर विचार है, अपने अपने मत है। कुछ विद्वानों के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से होने के कारण उस ब्राह्मणी ने कबीर को एक लहर ताला नामक तालाब में बहा दिया, जो बहते हुए आगे चलकर एक निसंतान जुलाह जाति के दाम्पत्य नीरू और नीमा को प्राप्त होते हैं। और नीरू नीमा भगवान का प्रसाद समझकर जो कि निसंतान होते कबीर का भरण पोषण करते हैं। कबीर जैसे जैसे बड़े होते गए वे फक्कड़ स्वभाव के ऐसे बनते गए। जुलाह जाति के जो अपने भरण पोषण करने वाले माता पिता थे उनके साथ रहते हुए कबीर अपना जीवन यापन करने लगे। कबीर को साधु संगति में रहना पसंद आने लगा। वह जहाँ भी अन्याय अत्याचार या फिर जाति भेद किसी भी प्रकार के ऐसे दृश्य वह देखते तो उन्हें वह सहन नहीं कर पाते थे और तुरंत उस पर व्यंग्य करना या उसका प्रतिकार करना, विद्रोह करना आरंभ कर देते थे। विद्रोही स्वभाव के कबीर बचपन से रहे हैं। कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, किंतु उन्होंने जो भी ज्ञानार्जन किया उसके स्रोत फिर अनेकों रहे हैं। जैसे कि देशाटन करते थे वे अपने जो साधु संगति में रहते हुए उन्होंने देशाटन किया है, देश भ्रमण किया है, तो जितना भी ज्ञानार्जन उन्होंने किया उस आधार पर वे प्रासंगिकता के आधार पर ऐसे दोहों का सृजन कर देते थे जिसमें वास्तविकता रहती थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे दोहों का सृजन किया है। कहा जाता है कि जिनका संकलन उनके एक शिष्य धर्मदास ने किया हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है जिन्होंने कबीर वाणी या कबीर बीजक के रूप में उनके दोहों का संकलन कर प्रकाशित करवाया है। कबीर के दो विवाह हुए थे। उनके पत्नी का नाम लोई बताया जाता है। उनके दो पुत्र थे कमाल और कमाली नामक। बहुतांश विद्वान जो है उनके गुरु के रूप में रामानंद जी को उनका गुरु मानते हैं। कबीर स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, जिसका प्रमाण वह एक दोहे द्वारा देते। वे कहते हैं कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। प्रासंगिकता के आधार पर उन्होंने जितने भी दोहों का सृजन किया है वह आज के युग में भी उसी तरह प्रासंगिक नजर आते हैं। वे कहते हैं कि पोथी, पुराण या फिर ग्रंथ आदि का अध्ययन करने पर मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। उनका कहना यह है कि सिर्फ पोथी पढ़ के ज्ञान प्राप्ति या फिर जीवन में किस प्रकार आचरण होना चाहिए यह सीख नहीं मिलती। तो उसके लिए वे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसका अर्थ वे यह कहना चाहते हैं कि सिर्फ ग्रंथ पुराणों से ही
ज्ञानार्जन करके मनुष्य में मनुष्यता निर्माण नहीं होती, तो प्रेम से ही मनुष्यता जो है वह जन्म लेती है। वह समाज में प्रचलित जो भी रूढ़ी परंपरा है उनका भी विरोध करते हुए लोगों पर व्यंग करते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार, तासे तो वे चाकी भरी पीस खाए संसार। इसका अर्थ यह है कि पत्थर की पूजा करने पर अगर हरि की प्राप्ति होती है ऐसा अगर माना जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। वे कहते हैं कि और तासे तो चाकी भरी, अर्थात जिस चक्की से पीसा हुआ आटा है उससे जग का पेट भरा जा सकता है, तो वह चाकी भली है ऐसा वे कहते हैं। उसी प्रकार वह कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। ईश्वर को ढूंढने के लिए लोग मंदिर मस्जिद कई जगहों पर यात्राएं करते हैं, वहाँ पर बसेरा डालते हैं, वहाँ पर ध्यान धारणा करते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिरण के नाभि में कस्तूरी कुंडल बसता है लेकिन उस हिरण को इसका ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण वह वन वन ढूंढ कर यहाँ वहाँ उसकी खोज करता रहता है, लेकिन कबीर उसी तरह कहते हैं कि उसी प्रकार घटघट राम है दुनिया देखे नहीं, अर्थात कण कण में हर वस्तु में ईश्वर विराजमान है, इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ उद्घाटित करना चाहते हैं। आगे वे कहते हैं कि उन्होंने सभी धर्म संप्रदायों पर जहाँ भी रूढ़ी परंपरा या फिर कुछ बाह्याडंबर नज़र आए वहाँ पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया है। उन्होंने सिर्फ एक विशेष धर्म समुदाय को दृष्टिक्षेप में रखते हुए यह आघात नहीं किया है, तो जहाँ पर भी उन्हें अनुचित सा नज़र आया उन्होंने यह व्यंग्य वहाँ पर किया है। कुछ उदाहरण उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी उन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांगे दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उनका कहना है कि कंकर पत्थर जोर के मस्जिद बनाते हो तुम, चुना लगाए यानी उस पर जो सफ़ेद रंग दिया जाता है आदि बातें, तो वहाँ पर जो आजान लगाया जाता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो वहाँ पर कबीर व्यंग्य करना चाहते कि खुदा जो है वह क्या बहरे है जो इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई जाती आदि। उसी प्रकार वे हिंदुओं को भी फटकारते, वे कहते हैं कि बकरी पाती खाते तिनकी काड़ी खाल, जो जन बकरी खाते तिनको कौन हवाल, तथा वे कहते हैं कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बांटने क्यों नहीं आया। उसी प्रकार वे सभी समाज के या धर्म के जो भी रूढ़ी परंपरा या फिर जो बायाडंबर है उन पर आघात करते हैं, कड़ा विरोध वे करते हैं। तत्कालीन समय में उनके जैसे फक्कड़ स्वभाव का अन्य और न कोई दूजा होगा, जिन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए समाज में प्रचलित जो भी रूढ़ी परंपराएं थी, जो भी ऐसी बायाडंबर थे उन पर कड़ा आघात उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में गुरु को अत्यंत महत्व दिया है। उन्होंने गुरु की महत्ता या महिमा के संदर्भ में भी कुछ पदों का सृजन किया है, जो इस प्रकार कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब वे कहते हैं कि सद्गुरु अर्थात गुरु जो है वह जिस प्रकार नौका नदी से पार ले जाने का कार्य करती है, उसी प्रकार गुरु भी अपने जीवन से पार ले जाने का अर्थात मोक्ष प्राप्ति का साधन उन्हें मानते हैं। उनके द्वारा सृजित बहुत सारे ऐसे पद या दोहे हैं जिन्होंने समाज में प्रचलित जो ऊंच नीच का भेद है या ऊंच नीच की जो भावना है उन पर भी वे आघात करते हैं। वे कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उसी प्रकार एक और दोहे द्वारा यह बात वह बताना चाहते कि माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय।
तो इस प्रकार वह जाति भेद या ऊंच नीचता की जो भावना समाज में प्रचलित थी उस पर भी कड़ा प्रहार कड़ा व्यंग्य करते हैं। कबीर का पूरा काव्य देखने पर हम कह सकते हैं कि कबीर के द्वारा जितने भी दोहों का सृजन हुआ है वे आज भी प्रासंगिक ऐसे दोहे हैं। धन्यवाद।